प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों की आज नई दिल्ली में शुरुआत की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया में हर प्रकार की क्रांति हो रही है। पीएम ने कहा, हर जगह मानव पहुंच रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इंसान वहीं का वहीं रह जाए। इसलिए जरूरी है मानव का आंतरिक विकास होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग दिवस से दुनिया में नए युग की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संबंधी प्रस्ताव के सह प्रस्तावक देशों और इस दिवस को मनाने वाले देशों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि योग का मतलब शांति के मार्ग पर आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजपथ पर हजारों लोगों के साथ योग भी किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर केंद्र सरकार के सभी मंत्री देश विदेश में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम में शामिल हुए। देश के अलावा विदेशों में भी योग दिवस के लिए लोगों में जोश दिखा। दुनिया भर को जोड़ने वाले योग में मुस्लिम देश भी हो रहे हैं आयोजन में शामिल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में मुख्य आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योग कार्यक्रम में हिस्सा लेकर योगाभ्यास किया। इस योगाभ्यास शिविर में स्कूल कॉलेज योग संस्थाएं एनसीसी कैडेट्स पुलिस कर्मियों सहित आम जन की भी सक्रिय भागीदारी रही। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जयपुर के पुलिस मुख्यालय में योग अभ्यास किया गया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने योग पर आयोजित योग अभ्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर पुलिस मुख्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। देश भर में देखने को मिल रहे हैं योग के अलग अलग रूप, कहीं म्यूजिकल योग तो कहीं जेल से लेकर जल तक हर जगह योग को लेकर लोगों में भारी उत्साह। योग दिवस के उल्लास में देश के सुरक्षा बलों के जवानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिल्ली से लेकर सरहदों की सुरक्षा में तैनात जवानों ने योग के विभिन्न आसनों का अभ्यास किया। मुंबई की लक्ष्मीनगर बस्ती में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में एक बस के खाई में गिर जाने से 17 लोगों की मौत हो गई है और 21 अन्य घायल हो गए। अमेरिका का मानना है कि यूरोजोन से ग्रीस के निकल जाने से इसका वहां की पहले से ही चल रही खराब अर्थव्यवस्था और लोगों पर इसका असर पड़ेगा। अभी हाल ही में हमले का शिकार हुआ अमेरिका का चार्ल्सटन चर्च रविवार को फिर से खोला जाएगा। एफबीआई का कहना है कि इस मामले में संदिग्ध हमलावर के लिखे हुए दस्तावेज का निरीक्षण किया जाएगा। गौरतलब है कि इस हमले में आरोपी बनाए गए डिलन रूफ की एक वेबसाइट भी सामने आई है, जिसमें कुछ फोटो भी जारी किए गए हैं। वेनेजुएला की राजधानी कराकास में शनिवार को वहां की विपक्षी पार्टियों के करीब 400 सदस्यों ने राजनीतिक बंदियों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने विपक्षी नेता लियोपोल्डो लोपेज और अन्य नेताओं को सरकार से तुरंत छोड़े जाने की मांग को लेकर अपना विरोध दर्ज किया। ओहियो के डेटॉन में आई बाढ़ ने वहां सामान्य जनजीवन को प्रभावित किया है। सड़कों पर पानी भर जाने से वहां फंसे लोगों को पुलिस की मदद से निकाला गया। पुलिस के मुताबिक बाढ़ के कारण कई सड़क हादसे भी सामने आए हैं और इसके कारण कई जगहों पर सड़कों को बंद भी करना पड़ा। पहले वनडे में बांग्लादेश के खिलाफ करारी हार झेलने के बाद अब टीम इंडिया आज पलटवार के इरादे से मैदान में उतरेगी। आज होने वाले दूसरे वनडे में न केवल बतौर कप्तान धोनी की साख दांव पर है, बल्कि टीम इंडिया को भी साबित करना होगा कि उसने बांग्लादेश को हल्के में लेने की गलती नहीं की है। हॉकी वर्ल्ड लीग सेमीफाइनल में एंटवर्प में खेले गए रोमांचक मुकाबले में भारत ने फ्रांस को 3-2 से हरा दिया। चौथे क्वार्टर में भारत की ओर से रमनदीप सिंह ने मैच का निर्णायक गोल दागा। रमनदीप सिंह ने जब गोल बनाया तब मैच खत्म होने में महज 2 मिनट रह गए थे और इन 2 मिनटों में फ्रांस बराबरी का गोल नहीं बना सकी।